हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग, न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? सुबह का टाइम माशाल्लाह बहुत वीआईपी है, मज़ा आ रहा है। आज सुबह मैंने उठ गया हूँ। अभी ये हमारा मच्छरदानी है, वो मेरा मच्छरदानी है, और अभी कोई नहीं है घर में, सिर्फ मैं, मेरी मम्मी है। अब हो गए नमाज पे, अभी तक नहीं आया। माशाल्लाह सुबह का टाइम बहुत वीआईपी होता है। थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है, वरना मैं नीचे चला जाता, वीडियो निकालता। कैसा वीआईपी मौसम में मज़ा दे रहा है। अभी तबीयत थोड़ा डाउन है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। देखो गाइस, आज सुबह सुबह हलवा पूरी का पार्टी हो रहा है। ये हलवा पूरी का हलवा निकालने के लिए निधर कोशिश कर रहा है, लेकिन निधर से नहीं हो रहा है। ये निकल गया, ये हलवा निकल गया। अब चोला चोला निकलेगा। यहाँ से पार्टी कर रहे हैं, फिर यहाँ मैच देख रहे हैं। ये चाचू चाइनीज क्या सालन बना रहे हैं। ये सारा सब्जियों का अंबार लगा है, कुछ सब सब्जी अंदर है इसके। अभी चाचू बनाएंगे, देखते हैं कैसे होगा, वीआईपी होगा। यस, ये सब्जियां अंदर जा रहे हैं, पतेली के अंदर मेके सब्जियों का बोछाड़ है। और ये अभी तक तेल नहीं डाला, तेल के बगैर कुकिंग कर रहे हैं चाचू। ये चाचू आलू डाल रहे हैं, आलू भी डल चुका है। ए मामला क्लियर। हाँ चाचू, ये कौन सा डिश आपका बन रहा है? ये मेरा डिश बन रहा है, अल्लाह आपका भला करे। इसमें फूल गोभी है, गाजर है, आलू है, टमाटर है, और इसमें बैंगन है, कोसा है, और ये मिक्स सब्जी। इसको बनाते हैं, इसको सिर्फ अभी ऐसे ढेगड़े में डाल के जब तक ये थोड़ा अपना पानी छोड़ के, फिर इसके अंदर मसाला डाल के, फिर इसके अंदर तेल कुकिंग डाल सकते हैं। अभी फिलहाल तो ऐसे ही छोड़ती हूँ। मसाला ये है, मसाले डाल रहे हैं। इसमें सब चल रहे हैं मिक्स, 12 मसाला, और ये दालचीनी, हल्दी वगैरह, ये मसाले सब, और ये हो गए सब इसकी पतीले के अंदर। अभी इसका ढकना बंद करके 10 मिनट के बाद फिर इसको बनाएं। और हमारे घर में ये फूलगोभी तैयार हो रहा है। मेरे को फूलगोभी बहुत पसंद है। अब को बोला फूलगोभी
बनाओ। अभी अब्बू फूल गोभी बना रहे हैं और चाचू मेके सब्जी बना रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है। माशाल्लाह से ये खाओ, एंजॉय करो। तैयार हो गया है सालन और खाओ पियो मौज उड़ाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा भैया की सालन बनाए। ये इसमें थोड़ा सा तेल डाला था और सिर्फ भुना है बस। चाचू का खाना रेडी हो गया। अभी अब्बू दाना पुदना को काट रहे हैं। गाइस हमारे खानदान में माशाल्लाह सब चीज़ जानते हैं। ईद बकरा ईद में कासा गिरी, अगर शादी हो तो चावल बनना बिरयानी बनाना वो भी जानते हैं। टोटल काम जानते हैं। ये हमारा फूलगोभी का सालन है। इन लोगों ने मेरा तो नाक में दम कर दिया है। बड़ों ने चैली मैच रख दिया है। अब ये भी मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे पागल गाय हो, ऐसे पड़े हैं ये दोनों। अभी आप बोलो मैं इन लोगों का चैली मैच करूं या नहीं करूं। आप बोलोगे करो फिर इन लोगों का चैलेंज मैच होगा। इसको देखो इसको देखो इसको इसको जोगी दादा ऐसे दो रोजे टीम दादा अच्छी बड़ा वेडियो कशा ऐसी रह गए गिर गिर। आज हम रात के लिए बना रहे अंडा आलू। अबू को मैंने बोला जी मैं आलू को काट रहा हूँ फिर ये तक होगा फिर अंडा आलू को पकाएंगे फिर अंडे को आलू को फ्राई करके अंडा डालेंगे। आलू को फ्राई करके अंडे को डालेंगे देखते हैं कैसे मज़ा आएगा खाएंगे। ये प्याज ब्राउन हो रहा है। अभी प्याज ब्राउन होगा फिर पता नहीं अबू क्या करेंगे देखते हैं। रोटी भी पका रहे हैं। ये मैंने ब्राउन को प्याज ब्राउन किया अभी टमाटर डाल रहे हैं। डालो डालो टमाटर मिर्ची टमाटर मिर्ची मिर्ची। ये हमारा बन रहा है अंडा आलू। ये हम लोग जो है ना अंडा आलू बलोची बना रहे हैं। ये हमारा बलोची डिश है। बलोची डिश मसाला डाला है नमक डाल दिए। अभी हिलाएंगे इसको थोड़ा। ये आएगा अंडा। ये आ गया अंडा। अभी अंडे को कैट हम लोग अपना घर का काम खुद करते हैं मेरी बाटी से क्योंकि बच्चियाँ सब शादी करके अपने अपने घर में गए हैं। बहादुर है, बहादुर का छोटा भाई है,
मैं और बाबर कामी है। बाबर कामी बेचारा मरीज रहता है, किचन का काम मैं और बाबर करते हैं। बर्तन धोने का काम अभी करता है, छोटा बेटा है वो करता है। और झाड़ू पोंछा कपड़ों के लिए एक रखा हुआ है, वो आके कर देता है। टाइम पास हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारा अंडा तैयार हो गया। माशाल्लाह इसका जायका भी बहुत टेस्टी होगा, क्योंकि ज़्यादा मसाला नहीं है, बिल्कुल हल्का मसाला। अल्लाह करम है, हमारा फैमिली का अंदर अल्लाह का शुक्र है। हम जो है ना सारे काम अपना खुद ही करते हैं, कैसे ईद को कैसेगिरी का काम भी खुद ही करते हैं, बकरी काटना गाय काटना भी खुद ही करते हैं, और शादी ब्याह का डेक पकाना भी खुद ही बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी हमारा, अगर खुदा ना खासा कहीं किसी का मैयत हो तो हमारा फैमिली को ले जाते हैं, और मैयत का काम भी हमारा लेडीज भी जानते हैं, और हमारा चाचा मामा वगैरह वो भी जानते हैं। माशाल्लाह हमारा फैमिली में सब काम खुद ही करते हैं, और बाहर वाला आके हम लोगों को ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह।